वेल नमस्कार, मैं हूँ फाजिल और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। आज हम हैं SSIPMT के इस कैंपस में और यहाँ हमारे साथ एक ख़ास मेहमान रूबरू होंगे और हैं डॉक्टर नवीन जैन साहब, जो कि गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी इस SSIPMT में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर। सर, इसके पहले कि हम आपके कैंपस को देखें और मूव करें और बहुत कुछ जानें, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सर, आपकी जो फिलॉसफी है आपके इस इंस्टीट्यूट की, शंकराचार्य की, वो क्या है? फैजल साहब, सन 2008 में जो इंजीनियरिंग का एक रुझान लोगों के प्रति कम होता गया जी, और लोग कम इस इंजीनियरिंग को प्रोफेशनल कैरियर के रूप में लेना चाह रहे थे, उस समय हम चार जो मित्र हैं जी, मैं, अतुल चक्रवर्ती, हमारे चेयरमैन साहब निशांत त्रिपाठी जी और निशांत यादव, ये हम सब अपने अपने जगह पर अपनी अपनी फील्ड में अपने इंजीनियरिंग की शिक्षा में योगदान दे रहे थे। बट हमारी फिलॉसफी यही थी कि आज का बच्चा अगर इंजीनियरिंग को अपनाए नहीं, जब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनाए नहीं, मतलब कि उसके हाथ में वो स्किल सेट ना आए कि वो अपने इंजीनियरिंग का प्रयोग करके कुछ नया जॉब ढूंढ सके या एंटरप्रेन्योरशिप कर सके या नया प्रोडक्ट बना सके, तब तक इंजीनियरिंग का पूर्ण आयाम जो है कम्प्लीट नहीं होगा। तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के पीछे यही फिलॉसफी थी कि पाठशाला से प्रयोगशाला। अच्छा। जब तक आप जो पढ़ रहे हैं, जब तक उसका प्रयोग करके सोसाइटी को आप कुछ नया नहीं दे पा रहे बिल्कुल, हैं बिल्कुल। तब तक इंजीनियरिंग का कोई बिल्कुल आपका मीनिंग नहीं, मीनिंग नहीं है। यानी इनोवेटिव कंस्ट्रक्टिव आपका अप्रोच था जी। तो ये इसमें आप कहाँ तक कामयाब हुए आपको लगता है, उसके बारे में कुछ बताएं। हमारी जर्नी सन 2008 अगस्त को चालू हुई और पहले ही साल में हमने जो है बहुत ही उत्कृष्ट, और मैं कहना चाहूँगा कि हमने यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान दिया, और उसके बाद हमारा जो अटेंशन था वो हर स्टूडेंट के पीछे था। मतलब ये था कि हमने यहाँ तक भी किया कि अगर कोई बच्चा 3 दिन नहीं आ रहा है तो हम उसके घर गए और हमने वहाँ पर भी उसकी पढ़ाई की। टोटल मॉनिटरिंग प्रोसेस था। और हमने फिर वहाँ से आगे स्टेप बढ़ाया, हमने हमारे कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले। अच्छा। हमने इंडस्ट्री के साथ टाई अप किए, हमने लाइव प्रोजेक्ट्स लाए, जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे जी। कि अभी अभी हाल ही में हमने टाटा प्रोजेक्ट्स, अच्छा, टाटा कंपनी के लिए एक प्रोजेक्ट करके Very दिया nice. है। तो इस प्रकार से हमने इंडस्ट्री के अनुरूप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनकी स्किल सेट्स को ढाला, जिससे उनकी जो जर्नी है इंस्टीट्यूशन से इंडस्ट्री की तरफ वो डिफिकल्ट नहीं होगी, डिफिकल्ट नहीं, स्मूथ हो जाएगी, बहुत ही स्मूथ हो जाती और है। और वो एक्सपोजर जो आपने जो आपने ये सब किए, इसमें बच्चों को एक्सपोजर भी मिला होगा, इंडस्ट्री का रियल एक्सपोजर भी मिल गया होगा। बहुत हद तक हम इस अपने प्रयास में कामयाब हो सके हैं। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने जो बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए बाहर भेजा और इंडस्ट्री की ट्रेनिंग उनको दिलवाई, तो सैमसंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पहली बार छत्तीसगढ़ में आया और ऑल ओवर इंडिया 7 बच्चों में से 3 हमारे कॉलेज के उसमें सेलेक्ट हुए। तो ये तो बड़ी सफलता की 7 में से 50% आप रिप्रेजेंट करते हैं जी सैमसंग को जी। ब्यूटीफुल। तो ये सब चूंकि आप चार मित्र थे और चारों अलग अलग दिशा से आए हैं और मिलकर आपने एक बड़ा वो विजन देखा है और उसको आप कर रहे हैं। सर, मेरा दूसरी बात ये कि अक्सर देखा गया इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में बहुत कम परसेंट, यानी 50-45% वाले बच्चे आ जाते हैं जो बेसिक साइंस को ठीक से नहीं पढ़ सकते। डू यू थिंक कि ऐसे लोगों के साथ आप इंजीनियरिंग के फील्ड में कुछ रिसर्च, कुछ इनोवेशंस पॉसिबल है, या फिर इनको किसी और विषय के पास जाना चाहिए? फैजल जी, ये आपने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है और ये प्रश्न आज मेरे ही नहीं, हर इंजीनियरिंग कॉलेज से संबंधित टीचर के दिमाग में है जी। बट एज ए टीचर अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि बच्चे का मानसिक लेवल कुछ भी हो, कुछ भी पढ़ाई हो, बट अगर वो आपके सामने शिक्षा लेने के लिए आया है तो आपको ये सारी चीज़ें हटा के पूर्ण प्रयास करना चाहिए। और इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी आते हैं जो हिंदी मीडियम से जी, तो हम उनके लिए अलग कक्षाएं लगाते हैं। अच्छा। हमने उनके लिए एक अलग डिक्शनरी बनाई है जहाँ हम हीट को ऊष्मा लिख के उसको बताते हैं और हम प्रयास ये करते हैं कि उसको नॉलेज दें, और इस नॉलेज को देने के लिए भाषा या उसका पहले का ज्ञान जो है वो बाधा ना बने। और इसी को हम जब अमल में लाए तो हमने देखा कि बच्चे इस भाषा और मीडियम के माध्यम को अलग हटा के वो गेन कर रहे हैं इंजीनियरिंग की नॉलेज को, और इनोवेशन की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे नहीं
ऐसा नहीं लगता है कि किसी बच्चे का अगर 12वीं में परसेंटेज कम है तो वो इंजीनियरिंग करने के लिए दक्ष नहीं है। अच्छा, उसमें सिर्फ एक लगन और एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो बेसिक्स इंजीनियरिंग कोर्सेज भी नहीं किए स्कूल आपने सही कहा। और वो इनोवेशन कर दिया आपने इस फिलोसफी पर। एकदम वेरी नाइस। और एक खास बात जो आपने जो किया कि जो उष्मा हीट के लिए लिखा, कि बहुत से ऐसे बच्चे जिनकी IQ तो EQ मैच करता है इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन भाषा प्रॉब्लम हो रही थी, तो आपने बड़ा अच्छा सॉल्व किया कि आपने उनको उनकी भाषा में इंटरप्रिटेशन किया ताकि वो समझ पाए और एक्सप्रेस कर पाए। अच्छा ठीक है, ये तो यहाँ रही। अब मैं जानना चाहूंगा कि कोरोना के इस काल में आप भी एक तरह से टीचर्स जो है हमारी भी कोरोना वॉरियर है, क्योंकि आप फाइट कर रहे हैं कि एजुकेशन जो विजडम एनलाइटनमेंट उसके लिए आप काम कर रहे हैं जी। तो कितना कितना इफेक्ट किया आपके इंस्टीट्यूट को, या आप कितने सफल हुए इसको काउंटर करने में? फैजल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी कोई बड़ी विपत्ति आती है, वो कोई नई चुनौती और एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आती है। तो हमने जैसे ही ये 24 मार्च को लॉकडाउन लगा, तो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं और हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर आलोक जैन जी, उन्होंने पहले ही विजन कर लिया कि ये बहुत छोटी समय के लिए नहीं है, ये एक लंबे काल के लिए चलेगा। तो हमने तुरंत ही ऑनलाइन क्लास जो आज सारे कॉलेजेस ले रहे हैं, वी वर दी फर्स्ट, तो हमने स्टार्ट कर दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने ना केवल ऑनलाइन क्लास ली, बट हमने ऑनलाइन पर एग्जाम लेके भी जो बच्चों का मूल्यांकन करना था वो करके, और 24 आवर्स जो थे हम बच्चों के साथ कांटेक्ट में थे। जिसके पास मोबाइल नहीं है उसको मोबाइल उपलब्ध कराना, कौन इंटीरियर में है तो उसको किस तरीके से हमारे नोट्स पहुंच जाए, हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए और उनको किसी ना किसी माध्यम से वो देख पाए। और हमारा यही उद्देश्य था और यही एम था कि इस कोरोना काल में शिक्षा से वंचित कोई भी स्टूडेंट ना रहे, क्योंकि कोरोना काल तो चला जाएगा, मगर इस दौरान जो उसकी शिक्षा का गैप हो जाएगा वो जिंदगी भर, हाँ, जीरो ईयर वो स्टूडेंट को लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छी बात आपने बताई कि आपने ये प्रयास किया और आप इसमें भी पायनियरिंग थे कि सबसे पहले ऑनलाइन क्लास आपने शुरू की। अच्छा, बच्चों ने इस क्लास को कैसे लिया, क्योंकि ये चैलेंज है, क्योंकि समटाइम ऑनलाइन क्लास आर वेरी बोर्डम, तो एक बोर्डम फैक्टर भी उसमें काम करता है, फिर वो घर में बैठ के उस टाइम में आ जाना प्लेटफॉर्म में, ये सब कैसे पॉसिबल, डिसिप्लिन कैसे आपने कल्टिवेट किया बच्चों में, वो बताएं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया फैजल भाई, कि घर में रहते हुए भी बच्चा जो है वो डेडिकेशन से जो क्लास में बैठता था उस 100% एफिशिएंसी से आपके लेक्चर को सुने। तो देखिए हमने क्या किया कि हमने हर लेक्चर के बाद जो है बच्चे से एट रैंडम रोल नंबर वाइज क्वेश्चन पूछना चालू किया, हमने छोटे छोटे असाइनमेंट दिए, फिल इन दी ब्लैंक्स दिए, हमने ट्रू फॉल्स दिए, बहुत लेंथी नहीं दिए, गूगल फॉर्म के रूप में उससे लिया हमने कि आप इसका रिस्पांस भरिए, और ये सारी चीजें जो है हम उस लेक्चर के बेस में ही लेते थे। अच्छा, तो बच्चा अटेंटिव होता था और इस तरीके से 1:1 कम्युनिकेशन जो हमारा कॉलेज का ये है कि हर बच्चे से 1:1 कम्युनिकेशन वो हम रख पाए। ठीक है, तब आप जान पाएंगे कि कौन कितने लेवल पर है जी। और ये जो आपने छोटे क्वेश्चन पूछे, एक तरह के बीजी कौन बनेगा ज्ञानी, इस तरह उनको फील हो रहा होगा, है ना, तो आपने एक इंटरेस्ट क्रिएट किया, उनको बांधे रखा अपने लेक्चर के साथ, और अटेंशन भी चेक करते रहे आप छोटे प्रश्न पूछ कर उनसे, तो उनकी जो वो जो कंसंट्रेशन है और वो बनी रही उनके साथ जी। अच्छा, इसमें आपकी जो अटेंडेंस रेट है फिजिकल क्लास में और इसमें क्या अंतर आया? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे बहुत इंटीरियर चले गए थे उनको अगर हम छोड़ दें, क्योंकि उनके साथ एक तकनीकी बाकी 80-90% हमारे सारे बच्चे जो है ऑनलाइन है। अच्छा, मैं अभी भी क्लास लेके आ रहा हूँ, द अटेंडेंस वाज 93%। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, और जो नहीं आ पाता, सबसे अच्छा, बड़ी बात देखिए, एक टीचर और शिष्य का जो रिश्ता है वो ये है कि जो नहीं आ पाता वो मैसेज से या किसी भी प्रकार से हमको बताता है कि सर मैं आज इस कारण से नहीं आ पा रहा हूँ। क्वेस्ट तो है उनमें जी, और जी, ये यही चीज है जिसको आप शिक्षा दे पाएंगे बस हम इसमें, हाँ, बिकॉज क्योंकि एक प्यास होनी चाहिए, बस उसी प्यास को जगाए रखना है, उस भूख को आप, भूख जरूरत नहीं है, भूख जरूरत है शिक्षा की। बहुत बहुत सही आपने कहा। और वो भूख को तो भूख होने बच्चे का। एग्जैक्टली। अच्छा, अगला ये था कि जैसे कि हमारे जो यंगस्टर्स है और ये कि अब जो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं वो हार्डली 17-18 ईयर्स के होते होंगे जी, तो उनके जो स्क्रीन आवर्स है, आप जो 4-5 घंटे क्लास लिए होंगे 4 घंटे जी, फिर उनके अपने खुद के एंटरटेनमेंट के भी स्क्रीन आवर्स हैं जो कि वो 4-5 घंटे और लेते हैं जी, तो ये पूरा मिला के टोटल स्क्रीन आवर्स बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आपको नहीं लगता कि ये उनके लिए हेल्थ हैजर्ड होगा मेंटली फिजिकली, तो इसको कैसे आपने काउंटर किया?
हाँ, बहुत ज़्यादा मोबाइल या कंप्यूटर के सामने बैठने से, आपने एकदम सही कहा कि फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है, हाँ जी बच्चे में लथार्जिकनेस आता है, जी लेजीनेस आता है, और उसकी आंख और दिमाग बिल्कुल पर शारीरिक रूप हाँ से वो फर्क पड़ता है फर्क पड़ता है। जी तो हमने एक काम ये किया था कि सर हम जो हैं क्लास 3 ही क्लास लेते थे, अच्छा और हमने उन सब्जेक्ट्सों पर ज़्यादा ध्यान दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और 2 क्लास के बीच में हम गैप रखते अच्छा थे गैप सर, लिया गैप और रखा, रिफ्रेश हो जाते थे। रिफ्रेश हो जाते थे। और अच्छा आज भी हम यही पद्धति है, क्योंकि टीचर को भी सर रिफ्रेशमेंट देना है जी जी और बच्चे को भी थोड़ा रिफ्रेशिंग टाइम देना है, अच्छा और ऑफलाइन भी जो है बहुत सारी चीज़ें हम कराते थे जिससे उसका ऑनलाइन का जो समय है जी उसको रिस्ट्रिक्ट करते हुए कुछ जैसे असाइनमेंट दे दिया हाँ हाँ हमने ठीक है कि आप इसको पढ़ के कल हम डिस्कस ठीक है। तो करेंगे। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी उनका हो जाएगा जी वहाँ पर जी जी ठीक है। जी अच्छा ये आपके जो सारे टीचर्स तो बहुत टेक्नो फ्रेंडली नहीं रहे होंगे, तो ये भी बड़ा चैलेंज रहेगा आपके लिए क्योंकि इस साल में इतने जल्दी सबको प्रिपेयर करना, सबको ये टेक्नोलॉजी के साथ रूबरू करवाना और उनको दक्षता लाना, वो कैसे आप कर पाए, कितना बड़ा ये चैलेंज था। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा फैजल भाई कि टीचर जो है वो हर समय जो है ना विपत्ति के समय वो एक लीडर की तरह बिल्कुल या इसलिए मैंने कहा वरियर है वो। वॉरियर है, हाँ जी और हम लोग टीचर जो कम्युनिटी होते हैं सर, जी ये हम लोग हर ओपन हर चीज़ के लिए ओपन हमेशा है रेडी रहते हैं, हाँ ओपन जी रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल और वी आर ऑलवेज इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली तो और हमारा आपस में टीचरों का संबंध इतना बढ़िया है कि जिसके पास कोई प्लेटफॉर्म था कि आप इस पर क्लास ले लीजिए, तो शेयर किसी ने प्रेजेंटेशन की हमको अच्छा टेक्नोलॉजी दी, अच्छा तो विद इन नो टाइम वी ऑल वर रेडी विद ओके अवर प्रेजेंटेशंस एंड वी वर टेकिंग द ऑनलाइन क्लास। ओह वेरी नाइस तो दैट वाज गुड। आपसी सहयोग से हम जो है इस चीज को बहुत जल्दी कम समय में पा पाए। अच्छा, ग्रास्पिंग की जहाँ तक बात करेंगे तो ऑनलाइन में जैसे आपने कहा कि आप क्वेश्चन भी पूछा, टेंशन भी चेक किया, तो ग्रास्पिंग वाला जो फैक्टर है आपको लगता है जो ऑनलाइन क्लासेस हुई जी क्या इट नीड्स टू बी ब्रश्ड अप अगेन व्हेन दे कम बैक इन द क्लासेस, और यू थिंक कि वो उसको रिटेन कर लिए, नॉलेज ले लिए, या कुछ और उसमें असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या ऑनलाइन इतनी अच्छी ग्रास्पिंग हो पाई। देखिए ये क्या है कि आप जब एज ए टीचर क्लास ले रहे हैं तो जिस लेवल का क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है हाँ जी हाँ जी उसी से आप समझ जाते हैं कि इसने पिछला कितना ठीक है समझा है ठीक और है इसने कितना ठीक इस है बात को जान लिया है, क्योंकि एक अज्ञानी आपसे बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन हाँ जी हाँ पूछेगा जी हाँ। और जिस बच्चे ने उस टॉपिक को पढ़ा है वो आपको उस लेवल का ही क्वेश्चन तो पूछेगा, तो उससे आप सेल्फ असेस कर आप सकते हैं कि बच्चे किस ग्रेस्प कर रहे ग्रेस्प हैं, कर रहे किस हैं लेवल का ग्रेस्प ग्रेस्प कर कर रहे रहे हैं। हैं। अच्छा, और अब क्या उम्मीद है आपको, कब तक कॉलेज खुल जाएंगे आपको लगता है, आपके पर्सनल ओपिनियन में जानना चाहूँगा, कॉलेज खुलते भी हैं तो क्या आपके पास क्या प्रोटोकॉल है बच्चों के लिए यहाँ पर, और कितना सेफ होगा ये अभी खोलना, आपकी पर्सनल ओपिनियन में जानना चाहता हूँ। सरकार की जो भी नियम है वो तो बनेंगे, जी उनके जी वो जो अपने डिसीजन होंगे, सरकार बट के आई वांट नियम योर जो रहे डिसीजन, योर ओन डिसीजन। एक तो जो बच्चों का मन है जो वो कहते हैं कि सर अब बहुत दिन हुआ, अच्छा जिस क्लास से हम भागते थे अच्छा आज हमको वही लग रहा है कि उस क्लास में हम कब क्या वापस बात है क्या बैठेंगे, बात है ये तो और ये एज ए टीचर मुझे भी लग रहा है कि मैं योर अपने स्टूडेंट्स बच्चों को मैं कब देखूं, रूबरू देखूंगा, वाह 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 उनसे बात कर पाऊंगा। जी तो सर ऐसा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारा कॉलेज के जो टीचर थे वो ना केवल शिक्षा को ऑनलाइन करते रहे जी इस जी कोरोना काल में, बट हमने बहुत सारे इनोवेशन भी किए। वेरी नाइस। हमने एक टनल बनाया, सैनिटाइजिंग टनल अच्छा बनाया है, अच्छा जो कि अभी हमारे यहाँ नीट का हम सेंटर हैं, जी तो वो टनल हम यहीं लगाएंगे जिससे अच्छा हर आदमी को उसके गुजरना थ्रू पड़ेगा। निकलेगा हाँ जी दूसरा, जब मोदी जी ने ये इस बात का आह्वान किया कि हमको वेंटिलेटर चाहिए, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की जो हेड है डॉक्टर हेमलता और उनके जो सहयोगी हैं प्रोफेसर रॉय, उन्होंने बहुत ही कम कीमत का वेंटिलेटर बनाया, और वो भी सारी चीज़ें घर पर। अच्छा, और आपको बात जान के आश्चर्य होगा कि डॉक्टरों ने उसे प्रमाणित भी किया है कि वाह ये किसी आदमी को अगर लगाया तो वो जाएगा तो वेंटिलेटर वो काम करेगा। वेंटिलेटर करेगा। ब्यूटीफुल, दैट्स अ ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट। तो हम और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैनिटाइजर सेंसर के द्वारा जो ऑपरेट होता है वो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ने बनाया था, तो हम अलग तरीके से भी अपने इनोवेशन को टीचर लेवल पर भी कैरी आउट कर रहे हैं ताकि बच्चों को भी एक प्रेरणा मिले। प्रेरणा मिले, देखिए अभी जहाँ इस जमाने में जहाँ रिनोवेशन भी नहीं होता है वहाँ कम से कम SSI PMT के लोग ये कोशिश कर रहे हैं, वेंटिलेशन बना दिया उन्होंने, और डेफिनेटली इसी तरह का वेंटिलेशन विजडम के भी चाहिए, इसी से थ्रू जब बाहर जाएंगे तभी हम विजडम को डिकोड कर पाएंगे। हमने सुना था कि इल्म के जानने से कुछ जानेंगे हम, और इल्म के जानने से ये जाना कि हमने कुछ भी ना जाना। जैन साहब ये बड़ी ही अच्छी आपने बात बताई, तो ये जो वेंटिलेशन के फॉर्मेशन में क्या आपके बच्चे भी अपने कुछ तरह का सहयोग करें, उन्होंने आपने उनका सहयोग लिया।
इस पर्टिकुलर की अगर हम बात करें जो उन्होंने वेंटिलेटर बनाया, तो ये हमारे दोनों प्रोफेसरों का ही था। अच्छा। क्योंकि ये मैं कहना चाहूँगा कि अप्रैल के फर्स्ट और मिड 15 अप्रैल के अंदर अंदर बन गया था, तब तक बच्चे जो हैं अपने कोरोना काल और घर पर ही जो है सीमित। अच्छा। थे, तो हमारे प्रोफेसरों ने ही इसको डेवलप किया। तो क्या इसको आप पेटेंटेड भी करना चाहेंगे? ये आप इसकी प्रक्रिया चल रही है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। तो हम इसको लार्ज स्केल पर करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए हम किसी इंडस्ट्री का साथ देख रहे हैं, और उसके पहले हम चाह रहे हैं कि इसको पेटेंट करा लें। आप जानते हैं कि पेटेंट की प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है, और मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि जब तक हमारा पेटेंट हो तब तक ये कोरोना काल से हमको मुक्ति मिल जाए, क्योंकि हमारा देश वाकई एक बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है, जहाँ लगभग 1 लाख मरीज आ रहे हैं। मगर हम तैयार हैं, अगर डिमांड होती है तो हम ये वेंटिलेटर जो है हम सरकार को देने के लिए रेडी हैं। वेल नमस्कार। अब हम मुलाकात करेंगे एक बहुत ही बेहद ख़ास शख्सियत से। निशांत त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, आप गवर्निंग बॉडी से हैं। निशांत साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि SSIPMT के विजन, मिशन और प्रैक्टिस क्या है? एज़ फार एज़ विजन और मिशन इज़ क्लियर, हम लोग को है कि हम लोग को कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए काम करना है। बहुत अच्छे। और रीजन इन पर्टिकुलर, क्योंकि होल टू पार्ट, जैसे सपना होल का है और पार्ट में हम अपने स्टेट के लिए कुछ कुछ नया नया काम करें और धीरे धीरे हम लोग ग्लोबल पहुँचे, ये शुरुआती विजन था जो बाद में आके 3 साल बाद रिवाइज हुआ, जब हम लोगों ने दुनिया देखी, सब किया जी। तो फिर वो रिवाइज हुआ और वो विजन पे हम लोग आज की दीवार से बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और इसका प्रमाण हाल ही में आया हुआ आर्या रैंकिंग है जी। जिससे हम लोगों ने इनोवेशन पे काम किया, हमारे बच्चों ने इनोवेशन पे काम किया, आसपास के गांवों पे हम लोग ने एज अ कॉलेज क्या डिफरेंस लाया उस पे काम किया, और ये सारी चीज़ों को देखते हुए HRD जो अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री कहला रही है उसने हम लोग को ये रैंकिंग दी, और इससे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक जो राइट ट्रैक है उस पे चल रहे हैं। आपको ये इंडेक्स है जो लग रहा है कि आप अचीव कर लिए वो? हाँ, मतलब कहीं ना कहीं देखिए, मैं इंटरव्यू की बात नहीं है, बट जो हम लोगों ने प्लान किया था इस कॉलेज के लिए, तो कहीं ना कहीं हम लोग 1.5 साल 2 साल ही लैगिंग कर रहे हैं, 1 साल किसी चीज़ में और किसी साल में 1.5 साल लैगिंग कर रहे हैं। अदरवाइज जो हम लोगों ने अपने लिए सेट गोल्स बनाए थे, ईश्वर की कृपा से SSIPMT उस हर गोल को अचीव कर लिया जी। ब्यूटीफुल सर, ये जो इंडस्ट्री है इसको लोग एजुकेशन इंडस्ट्री कहते हैं, लेकिन आपका कैसे आना हुआ इस जगह पे? कैसे आपने शिक्षा के बारे में सोचा? क्या वो सपने थे, क्या वो ड्रीम थे, क्या वो माइंडसेट है, क्या आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, वो सब बताएं। देखिए, जहाँ तक माइंडसेट की बात है, तो एजुकेशन में इसलिए आया क्योंकि मेरे दादा, मेरे पिताजी, मेरे फादर इन लॉ, मेरे ताऊ जी, ये सब एजुकेशन में थे और इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव मेरी ज़िंदगी में पड़ा। मतलब शायद इन्हीं को देख के कहिए कि मैं नज़दीक से बड़ा हो रहा था, तो मेरे लिए और कोई ऑप्शन नहीं था मुझे लगता है टीचिंग के अलावा। अच्छा। तो इसीलिए हम लोग टीचिंग में आए, एजुकेशन में आए, और भिलाई में हम लोग काम कर रहे थे। जब मैं चेयरमैन यहाँ का नियुक्त किया गया IP मिश्रा सर द्वारा, तो हम लोग का विजन ये था सोसाइटी का, एज सच अभिषेक मिश्रा जी उस समय हुआ करते थे, तो हम तीनों ने बैठ के ये विजन पे हम लोगों ने काम किया था कि रायपुर में वो एजुकेशन को लेके जो भिलाई में लोगों की जागरूकता है और एजुकेशन में जो भिलाई ने महारत हासिल कर ली है, तो रायपुर में भी हम लोग को ये काम करना चाहिए। मैं भी इस बात से बड़ा उत्साहित था क्योंकि रायपुर राजधानी नई नई बन रही थी, और मुझे भी ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि भिलाई में रहूँगा तो पिताजी और फादर इन लॉ के नाम से ही जाना जाऊँगा, तो क्यों ना हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और ऐसी संस्था बनाएं जो पहले तो रायपुर में अपनी एफिशिएंसी प्रूफ करे, स्टेट में नेक्स्ट प्रूफ करे, और फिर ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जाए। और जो कि आपने देख रहा होगा इस बीच SSIPMT के, आपने पूरे फॉलो किया होगा, अगर आप YouTube देखेंगे, हमारे इंस्टा चैनल पे जाएंगे या फेसबुक पेज पे जाएंगे या वेबसाइट विजिट करेंगे, तो आपको वो चीज़ स्लोली स्लोली विजिट करेगी। तो शुरुआती विजन तो ये था, और दूसरा उससे बड़ा विजन ये था कि किसी भी कीमत पे हम लोग चाहते थे कि जब छत्तीसगढ़ के बच्चे, जो मेन रीज़न कह लूँ मैं, ये तो मैंने आपको एक पहलू बताया, दूसरा मेन पहलू ये था कि छत्तीसगढ़ के बच्चे 4 गुना 5 गुना फीस देके, मतलब आज की डेट में हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर,
मतलब जो आप कह लीजिए कि यहाँ जा रहे थे बच्चे बहुत ज़्यादा, वो सेम पैकेज की कंपनी को, सेम प्लेसमेंट को यहाँ पे लाना है और अपने बच्चों की वो जो खर्चे हैं उनको वो ना होने दो। क्योंकि देखिए, आज अगर ये सब सिटीज़ में, मैं यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट मैं आज बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी जिनके पास वॉल्यूम है, तो मैं अगर उस वॉल्यूम से कंपेयर करता हूँ SSIPMT के बच्चे को, या ये कहिए हमारे ही स्टाफ के जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो मैंने देखा कि आज बाहर जो जा रहा है वो 15 लाख 16 लाख 4 लाख में खर्च, 4 साल में खर्च कर रहा है। SSIPMT का पढ़ने वाला बच्चा लगभग 3 लाख में अपनी पूरी एजुकेशन इंजीनियरिंग की कंप्लीट कर लेता है। और प्लेसमेंट, आप प्लेसमेंट देखिए तो सेम टू सेम। और जबकि मेरे को कहने में बड़ा गर्व फीलिंग है कि जब हम लोग इनोवेशन, नवाचार, ये सब चीज़ों को जब हम लोग ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने गए, हम लोग NAC के लिए गए, हम लोग एक्रेडिटेशन के लिए NBA के लिए गए, तो एक और विजन खुला हम लोग को। और उसके कारण आज की डेट में ये हाल है कि सारी कंपनी के MOUs हमारे पास हैं। हम आज की डेट में टाटा प्रोजेक्ट के लिए भी काम कर रहे हैं, हम आज की डेट में सेमीकंडक्टर्स ब्लूबेरी के लिए काम कर रहे हैं, हमने टेसॉल्स के साथ काम किया हुआ है। ये सारे कंपनियों का एक एक इनक्यूबेशन सेंटर यहाँ सेट है। नहीं, नहीं। तो वही सोच थी कि कम से कम ये खर्चा ना हो, बिल्कुल, और यहाँ के लोगों को एकदम। और जो हमारी फीस है वो, चूंकि हम एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, तो हमारी फीस गवर्निंग पूरी गवर्नमेंट के द्वारा होती है। और इतने कम पैसे में, अब मेरा ये कहना है कि जो पैसे बच्चों के बचे, और यही मेरा मतलब आपकी माध्यम से, और अभी तक मुझे ऐसा कोई माध्यम नहीं मिल रहा था जिससे मैं लोगों को ये कम्युनिकेट कर सकूं, तो बड़ा मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात कह सकूं। अच्छा। और वो यही बात है कि जब आपको वो जो बचे हुए डिफरेंस है, जो 15 लाख और 3 लाख का डिफरेंस है, इसी डिफरेंस से आपका बच्चा PG के लिए इस दुनिया में किसी भी कॉलेज में जा सकता है, अगर हमारे पास 15 से 16 लाख रुपए हों। तो आज की डेट में ग्रेजुएशन के लिए खर्चा करने से अच्छा है कि वो आप सेव करें। और जिनके एस्पिरेशंस जॉब है या स्टार्टअप्स हैं, अब तो देखिए बच्चे बहुत हद तक इंजीनियर आगे चल के वही बनेगा जिसके अरमान हैं कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के। बिल्कुल। और हम भी वैसे इंजीनियर्स चाहते हैं कि जो एडमिशन वो बच्चा ले जो इंजीनियरिंग मात्र डिग्री के लिए नहीं करे, उसकी एक ख्वाब रहे कि मैं ये प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ। और आज की डेट में मैं आपसे एक साफ बात कहूँ आपके चैनल के माध्यम से और सभी मेरे स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को, गार्जियन से, कि अगर आपके बच्चे के मन में कोई प्रोडक्ट है जिसको बना के वो दुनिया में आगे जाना चाहता है, मौका दीजिए, उसे मौका दीजिए। और उस मौके को पूरा करने के लिए अगर कोई कोर्स है तो वो इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग को आप उस दृष्टिकोण से देखिए, इंजीनियरिंग को एज ए डिग्री या नौकरी इस दृष्टिकोण से आप मत देखिए। और आप दोनों ही दृष्टिकोण से देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि इंजीनियरिंग एक बहुत ही ऐसा कोर्स है जिससे बच्चा एक अपने मन की भावनाओं, अपना खुद का प्रोडक्ट बना के अपने आप को दुनिया में स्टैब्लिश कर सकता है। इकोनॉमी बदल सकता है एक इंजीनियर, इंजीनियर कैन डू एनीथिंग, राइट? एग्जैक्टली सर। अभी आपने कहा कि आप भिलाई में थे, तो आप भिलाई से रायपुर वालों की भलाई के लिए आप इधर आए हैं, और आपने बड़ी अच्छी बात, पैसा सेव करेंगे उसको फिर से हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वेरी नाइस। देखिए मैं समझ रहा हूँ निशांत साहब, जैसे पैसिफिक ओशन बहुत शांत है लेकिन बहुत गहरा है, वैसे आपकी सोच में बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत इनोवेशन है, बहुत विजन है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर निशांत साहब, जो सरकार की नई शिक्षा नीति आई है, इसको व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, ये शिक्षा नीति जो सरकार की आई है बहुत समय पे आई है, और कहीं ना कहीं अब चीज़ें बड़ी डायनामिक रहेंगी। डायनामिक इन द सेंस, अब सरकार की भी नीतियाँ ऐसी नहीं आ पाएंगी कि जो आप लोग पहले होता था कि ये 10 साल तक चलेगी, नहीं। इतना डायनामिक सिचुएशन चेंज हो रही है, आज हमारा कंपटीशन चाइना ये सबसे हो रही है, तो आज के डायनामिक्स के हिसाब से जो अभी पॉलिसी आई है उससे मैं बहुत ही खुश हूँ। इतनी सारी AICT की जहाँ तक बात कर रहा हूँ, जिसे मैंने सबसे ज़्यादा करीब से देखा है, हालांकि CBSE स्कूल को भी मैंने देखा है, मेरे पिताजी चूंकि एक स्कूल चलाते हैं उस दृष्टिकोण से, पर जब मैं AICT का दृष्टिकोण देखता हूँ इस आज के बदलते परिवेश में, तो जो स्मार्ट इंडिया हैकाथन उन लोगों ने चालू किया, जो अवार्ड्स चालू किए, जो बच्चों को आज की डेट में, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि काश ये पहले हो जाता तो ना जाने आज भारत कहाँ होता, कहीं ना कहीं मुझे ये आभास होता है। लेकिन देखिए, जब भी कोई बदलाव आता है उसे सोचने समझने में टाइम लगती है, और समय लगने के बाद जो आज का परिवेश बना है, जो सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन बेस्ड है, कि आज की डेट में भारत को अगर कुछ जरूरत है
तो हमको जैसे आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, जैसे बचपन में कोई बच्चा जब छोटा बच्चा बड़ी बड़ी बातें करता था तो वो कहता था तो उसको गार्जियन बोलते थे, अरे चुप, इतना बड़ा बड़ा गप मार रहा है तू, इतनी बड़ी बड़ी तेरी सोच है, थोड़ा कम सोच बेटा। अब वो माँ बाप नुकसानदायक हो जाएंगे देश के लिए, क्योंकि अब आपके बच्चे ने अगर कोई ख्वाब भी देखा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि उस ख्वाब में आप कहाँ फिट बैठ सकते हैं और वो कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि हर चीज ख्वाब ही तो है। आज की डेट में मैं आपसे, आपके माध्यम से बात कर पा रहा हूँ, हम सब देख रहे हैं टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये ख्वाब देखने की जो माँ बाप को हमारी जनरेशन में दबाने की एक वो थी, अरे बहुत बड़ा सोचता है, अरे देखिए ना इतना बड़ा बड़ा बात करता है, उसको एक नेगेटिव एस्पेक्ट ले रहे थे। और आज ठीक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो सोच रहा है और जो मेरी सोच एक आ रही थी कि आज की डेट में बच्चों को एक ही चीज के लिए प्रोत्साहित करना है कि बड़े से बड़ा सोचो, भले वो उसको लगे कि एक ख्वाब की दुनिया वो देख रहा है जी जी। लेकिन उसके सपनों को हतोत्साहित मत करिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया कि हतोत्साहित ना करें बच्चों को, और बच्चों को मौका दें कि उनके जो ख्वाब हैं उसमें उनको उड़ने दें। और मेरे ख्याल से आप इस तरह का अगर ये एक फ्रीडम बच्चों को यहाँ देंगे अपने अपने एकेडमिक सेंटर में, अपने कल्चर में, तो डेफिनेटली यहाँ से भी लोग निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। और इसके अलावा आप लोग की जो ये सोच बहुत अच्छी है, बहुत एथिक्स और वैल्यूज़ के साथ अभी क्लास चौले चलाते हैं। दुनिया जहाँ ग्लोबलाइजेशन की बात करती है, निशांत साहब, डॉक्टर जैन साहब ग्लोबलाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं, वो बेहतर लाने के लिए सोच रहे हैं, वो एक अच्छी वर्ल्ड, एक अच्छी दुनिया बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें भारत के बच्चों की जो डेवलपमेंट होना है, जो उनका लीडरशिप है, जो उनकी विजन है, उनका जो एटीट्यूड है, सोच है, लर्निंग है, ये सब के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। निशांत साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमारे चैनल की तरफ से आपको और आपकी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी।